ओके सो हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में स्पेशली रिएक्शंस देख लिए, उसका फेनामेना देख लिया कि फेनामेना किस तरह से होता है। लाइट वेटेड न्यूक्लियॉन्स हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे एक दूसरे में कंबाइन हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। नाउ सबसे बड़ी बात कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम फ्रॉम, ये एनर्जी आती कहाँ से है आखिर। आपने कह दिया कि हाँ उसमें एनर्जी है, उसमें से एनर्जी आ जाती है, और आपने जैसे ही कंबाइन करा तो एनर्जी निकल गई, लेकिन निकली कहाँ से, एनर्जी कहाँ पे थी और कहाँ पे चली गई। सो वी विल से द एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन कम्स फ्रॉम द मास ऑफ लाइट वेट न्यूक्लियर। जो लाइट वेट न्यूक्लियाई जो कंबाइन हो रहे हैं, जो फ्यूज हो रहे हैं, वह दो लाइट वेट न्यूक्लियाई के पास मास है, उनका कुछ कुछ मास है, और जब ये कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 kg का एक न्यूक्लियाई है, 1 kg का दूसरा न्यूक्लियाई, तो आपने क्या देखा कि ये दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होके इन्होंने क्या बनाना चाहिए, जब दो 1 1 kg के न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो क्या बनना चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट में हमें 2 kg का एक न्यूक्लियाई मिलना चाहिए जो कि साइज में बड़ा होगा, और ऑब्वियसली बात है दोनों न्यूक्लियाई का वेट जुड़ जाएगा। तो वेट जुड़ने से 1 + 1 2 kg होना चाहिए और 2 kg का एक न्यूक्लियस मिलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली यह सिचुएशन नहीं बनती। प्रैक्टिकली अगर आप 1 kg और 1 kg के दो न्यूक्लियाई को फ्यूज करवाएंगे, सो यू विल गेट 1.9 kg ऑफ अ न्यूक्लियस, एक 1.9 kg का एक न्यूक्लियस आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। सो यू विल से कि 1 + 1 तो 2 होना चाहिए था, लेकिन वो 100 ग्राम गया कहाँ, क्या वो बिखर गया इधर उधर, नो। वी विल से मास ऑफ लाइट न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी ड्यूरिंग फ्यूजन। फ्यूजन होने के समय वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वह जो वेट है उस लाइट वेट न्यूक्लियाई का वेट है, उसका कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल, आपने कोल को जलाया, आपने 1 kg कोल लिया, उसको बर्न किया, बर्न करने पे क्या होगा, बर्न करने पे हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और दूसरी गैसेस निकलेगी और कुछ सॉलिड वेस्ट उसमें से निकलेगा और वह कलेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम इन सभी का वेट टोटल करें तब भी आपको 1 kg टोटल वेट नहीं मिलेगा, वाई, बिकॉज कुछ एनर्जी उस कोल की, कुछ मास उस कोल का एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन According to the relation, Einstein's mass energy equivalence. Einstein ने जो mass energy equivalence दिया था, which is equals to E is equals to mc square, where m is the energy, E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें, लेट अस से H11 + H21 + H21 फ्यूज टू गेट H31 + H11 + एनर्जी।
लेट अस से द मास ऑफ दिस टोटल, दो न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं, हम इसका मास मान लेते हैं एम आर, इसको हम नाम दे देते हैं, लेट से इसका मास हमने बोला एम आर, वेयर एम आर का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एम आर का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स। देन जो आउटपुट में हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इनका मास हम बोल देते हैं एम पी, वी विल से एम पी इज द, एम पी इज मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एम पी क्या चीज है, एम पी इज द मास ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे हमारे प्रोडक्ट क्या है, यहां पे हमारे प्रोडक्ट हैं दिस ट्राइटियम एंड हाइड्रोजन, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं, सो दिस इज द मास ऑफ प्रोडक्ट इज एम पी। नाउ दिस एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में, इस फ्यूजन में जो ये डेल्टा एनर्जी निकली है, यह एनर्जी एक्चुअल में मास से ही निकल के आई है, यूजिंग द मास कन्वर्जन यह एनर्जी निकली है। नाउ अब आप ये सोचिए कि अगर जो मैंने रिएक्टेंट्स लिए हाइड्रोजन के दो, ड्यूटेरियम के दो एटम्स, इन दोनों का मैंने फ्यूजन करवाया और उसमें से एनर्जी निकली, तो किसकी एनर्जी रिएक्शन में, किसकी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हुई है, किसका मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। वी विल से कि दो ड्यूटेरियम एटम्स का मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में, सो यह एनर्जी इसमें से आई है। इट मींस मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स का मास एम पी इज लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स का मास क्या होगा, कम होगा, रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होगा, बिकॉज इसका मास ही कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। नाउ तो हम देखेंगे कि इसके बीच में एक डिफरेंस हमें मिलेगा, एक बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस मिलेगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज डेल्टा एम, एंड डेल्टा एम इज मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 kg रिएक्टेंट्स लिए और आपको 0.9 kg प्रोडक्ट्स मिले, सो इट मीन्स 0.1 kg इज कन्वर्टेड टू एनर्जी, सो दिस डेल एम रिप्रेजेंट्स रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट का मास, एंड दिस डेल एम इज नोन एज मास डिफेक्ट। इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि इतना डिफेक्ट आ रहा है, इतना डिफरेंस आ रहा है, सो एनर्जी क्रिएटेड ई विल बी इक्वल्स टू डेल एम इंटू सी स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी क्रिएटेड इन दिस रिएक्शन, इन दिस फ्यूजन रिएक्शन। और फिजन में भी यही प्रोसेस होती है, फिजन में भी आप जब देखेंगे तो यूरेनियम जब न्यूट्रॉन से रिएक्ट करता है, न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होता है, तो उसके बाद आपको जो आउटपुट में A1, A2 और 3 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इसका मास प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मास से कम होता है, बिकॉज वहां पे एनर्जी भी रिलीज होती है, सो दैट्स व्हाई। और वहां पे भी हम सेम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं, और इसी तरह से फॉर्मूला अप्लाई करके आप एनर्जी निकाल सकते हैं, सो दिस ई रिप्रेजेंट्स एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज द बेसिक फिनोमिना ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी हमें इस रिएक्शन में मिलती है ये यहां से फॉर्म होती है। अदरवाइज आप सोचिए कि अगर सन पे कंटिन्यूअसली ये रिएक्शन होती जा रही है और एनर्जी निकलती जा रही है, तो ये एनर्जी उसमें आ कहाँ से रही है, ये एनर्जी निकल कहाँ से रही है, तो वहां पे जो हाइड्रोजन का मास है, जो ड्यूटेरियम का है, ट्राइटेरियम का है, उनका जो मास है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज सन जो है वो क्या है, सन यूनिवर्स में एक्सपोज्ड है, ओके, यूनिवर्स में है वो, सोलर सिस्टम में, स्पेस में है, तो स्पेस में क्या है, कंटिन्यूअसली बहुत सारे एस्टेरॉइड्स, बहुत सारे इम्प्योरिटीज जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, वो कंटिन्यूअसली सोलर सिस्टम में रिवॉल्व करते रहते हैं।
और रिवॉल्व करते करते जब वो सन की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर में आते हैं, वो सीधे सन पे जाके स्ट्राइक करते हैं। और स्ट्राइक करने से क्या होता है, सन को कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इन सब का सप्लाई मिलता रहता है, बिकॉज कंटिन्यूअसली एस्ट्रॉइड्स और इम्प्योरिटीज उसके ऊपर गिरते जाते हैं। सन का मास बहुत ज़्यादा है, सन साइज में बहुत बड़ा है, तो उसका ग्रेविटेशनल पुल भी काफ़ी ज़्यादा है। सो दैट्स वाई उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन और दीज एटम्स वहां से मिलती है, और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू मास को वह कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। सो इन दिस वे सन शाइन्स। सो दिस इज वॉट अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। यू कैन नोट दिस, आफ्टर दिस वी विल स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन फिजन दोनों को यूज करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट बनाया, और जिस पर्सन ने यह इंस्ट्रूमेंट बनाया था, दैट पर्सन गॉन मैड, वो खुद पागल हो गया जिसने ये बनाया था। वी विल स्टडी दैट ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट यू कैन नोट दिस। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। दैट इंस्ट्रूमेंट, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉम्ब। जिस पर्सन ने हाइड्रोजन बॉम्ब को बनाया था, आफ्टर सीइंग द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस ऑब्जेक्ट, दैट पर्सन गॉन मैड, वह पर्सन पूरी तरह से परेशान हो गया था, पागल हो गया था, जब उसने उसको ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट उसने बनाया है, जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया है, दैट इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये बहुत ही डेंजरस, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब है। एज इट्स नेम सजेस्ट, इट्स अ बॉम्ब एंड इट इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन। और यह बम अगर यूज किया जाए, सो इट कैन फिनिश सिविलाइजेशंस, यह कई सारी सिविलाइजेशंस को खत्म कर सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल यह बॉम्ब है। वन हाइड्रोजन बॉम्ब कैन क्रिएट एनर्जी अप टू बिलियंस ऑफ जूल्स। बिलियंस ऑफ जूल्स की एनर्जी एक हाइड्रोजन बॉम्ब आराम से क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह की एनर्जी, ऑब्वियसली बात है, जो हीट है, इट कैन फिनिश द सिविलाइजेशन, इट कैन फिनिश द लाइफ ऑन अर्थ, इतना ज्यादा ये डिस्ट्रक्टिव है। दिस हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन और फिजन के कॉन्सेप्ट पे यह हाइड्रोजन बॉम्ब बेस्ड है। नाउ बेसिकली हमारे मन में सवाल उठता है कि दोनों ही क्यों, वाई फ्यूजन एंड वाई फिजन, सिंगल क्यों नहीं। हमने ये पढ़ा कि फिजन जो है उसमें भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, फ्यूजन में भी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, फिर मैं दोनों को यूज क्यों करूं, मैं किसी एक को यूज कर लेता हूं इस बॉम्ब में और आसानी से रिएक्शन करा लेता हूं और आसानी से बॉम्ब को ब्लास्ट कर सकता हूं, उसमें एनर्जी जनरेट कर सकता हूं, लेकिन फिर भी हमने दोनों को यूज क्यों करा, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए, हमने कहा था कि जब फिजन होता है, फिजन के लिए आपको एक न्यूट्रॉन को थोड़ी सी वेलोसिटी देनी पड़ती है, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है, और एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन बन जाता है। वह स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम को हिट करता है और फाइनली फिजन हो जाता है। तो फिजन के लिए अगर हम कंडीशन देखें, तो प्रैक्टिकली जो कंडीशन फिजन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट कैन बी इजीली क्रिएटेड ऑन अर्थ। अर्थ पे वो आसानी से बनाई जा सकती है, बिकॉज इट डू नॉट रिक्वायर ह्यूज टेम्परेचर, इट डू नॉट रिक्वायर ह्यूज प्रेशर और वॉल्यूम, एनीथिंग। उसका कोई बहुत खास बड़े रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इट्स लिमिटेड रिक्वायरमेंट। तो थोड़े से रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके हम फिजन तो आराम से अर्थ पे कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा था कि फ्यूजन के लिए यू नीड टेम्परेचर ऑफ 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, 1 लाख 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आपको चाहिए, तब जाके फ्यूजन प्रोसेस होती है। तो प्रैक्टिकली अर्थ पे फ्यूजन प्रोसेस को करा पाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब ऐसे कोई आग जला के
या कोयला जला के इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप ऐसा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर दें। आप टन्स ऑफ कोल को बर्न कर दीजिए तब भी इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होना बहुत बहुत मुश्किल है, इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फिर हम कैसे करें, फिर हमें फ्यूजन की ज़रूरत ही क्यों है? सो वी विल से कि द रीज़न बिहाइंड यूजिंग फ्यूजन इज दैट फ्यूजन produces more energy compared to fission. Fission के comparison में अगर आप देखेंगे so fusion produces more energy, fusion से ज्यादा energy बनती है fission के comparison में। तभी sun के पास ज्यादा energy है और earth पे जो न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें एनर्जी कम है, इसीलिए फ्यूजन को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फ्यूजन को अपार्ट फ्रॉम दी फिजन। लेकिन फिर फिजन क्यों कराया जाए? सो हम देखिए फिजन की एनर्जी को एज अ बॉम्ब तो हर बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं है। याद रहे हम ऐसे बॉम्ब की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। तो हमने सोचा कि फिजन से ज्यादा भी कोई डिस्ट्रक्टिव हो सकता है क्या? तो फिजन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इज फ्यूजन, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी फॉर्म होगी। सो हाउ वी कैन यूज दिस फिजन, फिजन प्रोसेस को हम क्यों यूज करें? सो वी विल से फिजन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट High temperature. Fission process basically use हो सकती है बहुत high temperature generate करने के लिए, क्योंकि high temperature generate करने के लिए अगर for example 10 lakh degree centigrade, इतना temperature के लिए coal cannot fulfill your requirement। आपको पूरा हर्थ का जितना coal है सब जला देना पड़ेगा, तब जाके आप इतना heavy temperature create कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर मैं fission की बात करूं तो फिजन में थोड़ा सा फ्यूल लेके, थोड़ा सा यूरेनियम लेके जब आप उसको बॉम्बार्ड कराएंगे सो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज ह्यूज टेम्परेचर। सो दैट्स व्हाई वी विल बी यूजिंग फिजन। सो फिजन इज व्हाट इन दिस प्रोसेस, फिजन इज बेसिकली अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ने हम बॉम्ब में हमने क्या सीखा, हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों कॉन्सेप्ट बेस्ड है, फ्यूजन और फिजन। फिजन क्यों कराया जाता है? फिजन कराया जाता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर? अप टू 10^7 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना हाई टेम्परेचर अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम फिजन कराते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन बॉम्ब में एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें क्या चीज़ होती है, किस तरह से प्रोसेस होती है। सो हाइड्रोजन बॉम्ब कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एंड लिथियम। हाइड्रोजन बॉम्ब में बेसिकली ड्यूटेरियम, लिथियम और हाइड्रोजन तीन चीजों का मिक्सचर रहता है। इनसाइड दिस मिक्सचर अ स्मॉल वेट ऑफ या स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल मास ऑफ यूरेनियम इज केप्ट, एक छोटा सा यूरेनियम उसके अंदर रख दिया जाता है, उस मिक्सचर के अंदर रख देते हैं। नाउ व्हेन बाय सम मेथड फिजन ऑफ दिस, फिजन ऑफ दिस यूरेनियम इज डन, द प्रोसेस
विल कंटिन्यू इन अनकंट्रोल्ड मैनर। वॉट यू हैव डन बेसिकली, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड, लेट्स से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन लिथियम एंड ड्यूटेरियम। आपने ऐसा एक मिक्सचर बना दिया, एक बॉल बना ली। इस बॉल के अंदर आपने एक यूरेनियम का पीस रख दिया, इसके अंदर रख दिया। इनसाइड दिस बॉल आपने एक यूरेनियम का पीस रख दिया। नाउ किसी प्रकार से, किसी प्रोसेस से आपने इस यूरेनियम में न्यूक्लियर फिजन करवा दिया, इसमें फिजन की प्रोसेस को स्टिमुलेट करवा दिया और फिजन की प्रोसेस चालू हो गई। कैसा देखा था हमने फिजन की प्रोसेस में, एक न्यूट्रॉन ने इस यूरेनियम को हिट करा, एक न्यूक्लियस को हिट करा, तीन नए न्यूट्रॉन निकले, फिर तीन को हिट करा, फिर नौ निकले, फिर नौ ने हिट करा तो 27 निकले, ऐसे देन 81, देन 243 और ये सीक्वेंस चलती गई। तो यहाँ पे अगर एक बार आपने फिजन स्टार्ट करवा दिया, देन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू इन अनकंट्रोल्ड मैनर, अनकंट्रोल्ड वे में ये प्रोसेस चलती जाएगी। सो इस प्रोसेस से क्या होगा, हमने ऐसा क्यों करवाया, हमने इस हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर यह प्रोसेस क्यों करवाई, फिजन क्यों करवाई। वी विल से दिस फिजन विल रेज टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर टू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पे आराम से इस फिजन की वजह से हम पहुंच सकते हैं, इस फिजन की वजह से बहुत आराम से टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा इन फ्यू माइक्रोसेकेंड्स। फ्यू माइक्रोसेकेंड्स में ही क्या होगा, इसमें फिजन हुआ और टेम्परेचर रेजेस टू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, दिस टेम्परेचर विल लेड टू विल लेड टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या होगा, फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा एंड अगेन फ्यूजन रिएक्शन होगी तो फिर से बहुत सारी हीट उसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हमने क्या करा, हमने बेसिकली इसमें पहले रिएक्शन करवाई, फिजन करवा के क्या हुआ, हीट निकाली। हीट निकालने से उस हीट को यूज किया टेम्परेचर को रेज करने में, टेम्परेचर बढ़ा, फिर फ्यूजन हुआ और फ्यूजन से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एक बार में निकलनी शुरू हो गई एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स यह पूरा बम ब्लास्ट हो जाएगा एंड इट विल क्रिएट ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड दैट्स वाई इट इज नोन एज द वेपन ऑफ अ मास डिस्ट्रक्शन। ये मास डिस्ट्रक्शन करेगा। अब इसमें हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम कंबाइन हो गए, कंबाइन होके दे क्रिएटेड मोर एनर्जी। देन वी हैव यूज लिथियम ऑल्सो। सो व्हाइल लिथियम इज यूज इन दिस वेपन, वी विल से ऑन फ्यूजन लिथियम विल क्रिएट मोर ड्यूटेरियम। बेसिकली यहां पे क्या होगा, जब लिथियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, लिथियम और हाइड्रोजन के एटम का फ्यूजन होगा, इट विल क्रिएट मोर ड्यूटेरियम और वहां पे और ड्यूटेरियम हमें मिलता जाएगा एंड दिस रिएक्शन विल कंटिन्यू एंड कंटिन्यू करते 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 this will create huge amount of billions of joules of energy and hence we can use this as a bomb. Ab because this energy is released in few milliseconds, kuch milliseconds microseconds mein hi energy release ho jayegi, to isiliye hum ise as a source of energy to use nahi kar sakte, that's why we have used this as a weapon of mass destruction. Otherwise this is a best, this is something which we need in present time, in modern time. Iski energy ko agar hum कंट्रोल्ड वे में यूज कर लें, दिस इज अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, अगर इसे हम कंट्रोल्ड वे में यूज कर लें, सो कंट्रोल्ड वे में यूज करके हम इससे कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी एनर्जी डिमांड सिर्फ एक इस बॉम्ब से ही
फुलफिल कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज अनकंट्रोल्ड, इसलिए हम इसे यूज नहीं कर सकते. सो दिस इज वॉट अबाउट द हाइड्रोजन बॉम्ब, यू कैन नोट दिस.